हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, सेफ होंगे एंड खुशहाल होंगे। तो आज के ब्लॉग में मैं थोड़ी बहुत प्रिपरेशन आपके साथ में शेयर करूँगी। ईद की तैयारी चल रही है और ऑल्सो बच्चों के स्कूल स्टार्ट हो गए हैं, तो उसके लिए क्या क्या अरेंजमेंट मैं करती हूँ वो मैं आपके साथ में आज शेयर करूँगी। तो सबसे पहले तो जो उनका स्टेशनरी वगैरह होता है ना, वो प्रॉपर तरीके से अरेंज करना होता है, तो आज मैं वही करने जा रही हूँ। पहले मैंने उनका स्टडी टेबल रखा हुआ था, बट वो स्टडी टेबल यूज़ नहीं करते थे, तो मैंने हटा दिया है स्टडी टेबल। और जहाँ पे उनके वॉल मतलब जो बुक शेल्फ वगैरह है ना, जो वॉल पे, वो वॉल पूरी सीलिंग से ख़राब हो गई थी हमारी, तो वहाँ पे ये वॉलपेपर यूज़ करके मैं उसको हाइड कर रही हूँ। ये बहुत फाइन तरीके से तो नहीं लगा है, लेकिन जो गंदा दिख रहा था ना सीलिंग से, पूरी दीवार थोड़ी थोड़ी पपड़ी निकल रही थी, तो वो छिप गया है। और ये वॉलपेपर मेरे पास रखा हुआ था, बचा हुआ था, तो उसको फाइनली मैंने यहाँ पे यूज़ कर लिया है। और जितना मैंने मतलब जितना छुपा सकती थी मैंने इसको छुपा लिया है। जब वॉलपेपर जितना था मैंने पूरा यूज़ कर लिया, आधे पे ही ख़त्म हो गया था एक्चुअली वॉलपेपर, बट मैंने काट काट के उसको एनी हाउ कम्प्लीट कर दिया था। अच्छा, अभी मैंने वॉलपेपर लगा दिया है तो अभी काफ़ी हद तक ये अच्छा लग रहा था। अच्छा, मैंने पहले शूट नहीं किया वॉलपेपर लगाने से पहले। अगर मैंने शूट किया होता तो शायद आपको समझ में आता डिफरेंस, मतलब आपको समझ में आता। बहुत ज़्यादा पपड़ी वगैरह निकली थी, सीलिंग थी दीवार में, तो एनी हाउ अच्छा लग रहा था अभी। और अभी मैं बुक्स अरेंज करने लगी हूँ, तो एक है ना, मैंने बुक रखने के लिए एक बॉक्स बनाया है, अभी आप को दिखेगा वो बॉक्स। मैंने शेयर भी किया था पहले किसी ब्लॉग में, और अभी ये वापस से मैं ये एक बॉक्स बना रही हूँ। ये एक्चुअली मेरे पास अगेन एक वॉलपेपर था, तो उसको स्टिक करके मैंने ये बॉक्स बना लिया है। और ऑनेस्टली बताऊँ तो जो पहले मैंने बॉक्स बनाया था ना, उसको ऑलमोस्ट 1-1.5 साल हो गया है, लेकिन उसमें थोड़े से भी चेंजेस नहीं है, वो बिल्कुल फटा नहीं है, काफ़ी स्टर्डी है। बस जो कार्डबोर्ड जो बॉक्स हम लेते हैं ना, वो थोड़ा स्टर्डी होना चाहिए, उसके ऊपर आप कोई भी वॉलपेपर या कोई भी पेपर चिपका के उसको अच्छा खासा बुक शेल्फ बना सकते हो। अच्छा, अभी मैंने सारी बुक्स अरेंज कर दी है, और ये जो सिल्वर बॉक्स आप देख रहे हो ना, मैं इसके बारे में ही बता रही थी, यही बना के मुझे 1-1.5 साल हो गया और ये अच्छा खासा चल रहा है। तो कोई भी स्टडी बॉक्स हम लोग यूज़ कर सकते हैं बुक शेल्फ बनाने के लिए। अच्छा, अभी बकरा ईद है और हमारे भी बकरे आए थे, तो अरहान ने मतलब अरहान मेरे से फ़ाइट कर रहा था, उसको बकरे को खिलाने जाना था। मैं उसको मना कर रही थी क्योंकि वो जस्ट स्कूल से आया था, तो अभी आप सुनिए उसने क्या बोला। इतना सा मिलेगा उसमें पूरा साल चलाना। बात बता अरहान, खाना खाना, थोड़ा सा खाना खा के लेके जा। खाना क्यों नहीं खा रहा है? आप क्यों नहीं खा रहे? इतना सा सब में से मिलेगा वही एक साल चलाना। मैं नहीं खाती हूँ गोश्त। और एक दिन देना, बस रख देना। पहले मेरी बात सुना, आप खाना खा रहे हो तो आप क्यों नहीं खा रहे हो खाना? आप खा लो, चलो सारा। क्या हुआ था पता है, अरहान स्कूल से आया था, उसकी मॉर्निंग की स्कूल होती है, तो स्कूल से आने के बाद मैं उसको बोलती हूँ 2 घंटा सो जाए, और एवरी डे वो सोता है, लेकिन जब से बकरे आए हैं ना वो बहुत नाटक करता है सोने के लिए। तो मैं उसको वही बोल रही थी, आप सो जाओ फिर बाद में जाके खाना खिलाना बकरों को, और उस पर वो मेरे से मतलब ऐसा बोल रहा था कि बकरे आप उनको खाना नहीं खिलाते हो तो आपको भी गोश्त नहीं मिलेगा खाने के लिए। तो यही हमारी फाइट चल रही थी। अच्छा, अभी आगे बढ़ते हैं। तो मैंने ये जो ऊपर आपने देखा जो लगाया ना मैंने ऐसे ऑर्गेनाइज़र, ये मैंने बहुत पहले आइकिया से लेके आई थी, और इसको मैंने सोचा कि लाओ अभी लगा देती हूँ। और जो भी बच्चों के पेंसिल इरेज़र वगैरह होते हैं ना, उनको मैंने उसमें अरेंज कर दिया था, उसमें रख दिया था, ताकि ड्रॉ जो है वो थोड़ा सा खाली मिल जाए, क्योंकि है ना जैसे जैसे बच्चे बड़े होते हैं उनके स्टेशनरी स्टफ़ इतने ज़्यादा होते जाते हैं कि स्पेस ही नहीं मिलता, और मतलब कितनी भी जगह रहे कम पड़ती है। और मेरे घर में तो 3-3 लोगों के स्टफ़ हैं, तो मुझे बहुत ऑर्गेनाइज करके, बहुत अरेंज करके सब कुछ रखना पड़ता है। अच्छा, अभी ये जो इन लोग का स्पेस था स्टेशनरी वाला, ये पूरा अच्छे से मैंने अरेंज कर दिया है, और अरेंज होने के बाद में इतना अच्छा लग रहा था ना ये। और दो जो वॉल पे शेल्फ लगी ना, उसमें भी इनकी बुक्स है, वो कुछ स्टोरी बुक है, कुछ एक्टिविटी बुक है, इस तरीके की बुक्स रखी हैं। क्या हुआ, क्या हुआ? चिपकली को भगाऊं? नहीं, आप वहीं बैठे रहो,
चिपकली आपको लेने आई है, लेने आई है। क्या दूं? चिपकली का फोटो लेते हो? चिपकली का फोटो लोगे? आओ लो, इधर आओ, आओ ना, आओ ना, चिपकली का फोटो लेंगे। आओ आओ, चिपकली का फोटो लेंगे। आओ चिपकली का, क्या क्या? चिपकली के पास, चिपकली के पास आपको फोटो लेना है ना, आओ। आओ ना, आओ तो फोटो लेंगे। आओ आओ, चिपकली के साथ में एक चीज वाली फोटो लेंगे। आओ आओ, गोदी नहीं, पैदल पैदल आओ, चलो आओ ना। अभी मैं नीचे आई थी जहाँ पे सब बकरे बिल्डिंग के बांधे हुए हैं, तो यहाँ पे खिलाई पिलाई चल रही थी बकरे की। और हमारे बिल्डिंग के नीचे एक ऐसा स्पेस है जिसको पूरा अच्छे से चारों तरफ से कवर करके बकरा ईद से 10 दिन पहले ऐसा कर देते हैं कि वहाँ पे लाके बकरे सब लोग अपने अपने बांधते हैं, उनको खिलाते पिलाते हैं। और जहाँ तक मैंने सुना है, तरीका यही है कि जो भी कुर्बानी के जानवर हैं उनको लाओ, खिलाओ पिलाओ, उनसे थोड़ा बहुत लगाव रखो और फिर उनको अल्लाह की राह में कुर्बान करो, तो फिर क्या ही बात है। खैर अभी आगे बढ़ते, तो मैं अभी, टाइम था रात का और कल अजान और आयत के स्कूल में कुछ एक्टिविटी थी। एक्चुअली बहुत दिन पहले मैसेज आया था लेकिन मुझे याद ही नहीं था, दिमाग में ही नहीं रहा, तो अभी मैं फटाफट से उनका जो एक्टिविटी वाला सामान है वो मैं बना रही हूँ। बनाना क्या था, मुझे बहुत सिंपल सा बनाना था। आयत का एक्टिविटी था वो शेप्स के ऊपर था, तो मैंने उसके लिए रेक्टेंगल शेप्स बनाया था। मेरे पास एक कार्डबोर्ड का बॉक्स रखा था तो उसको मैंने ऐसे बना दिया था, कवर करके उस पर स्माइली और आइज़ बना दी थी। और अजान का जो था वो थोड़ा सा डिफ़िकल्ट था, मुझे समझ में नहीं आ रहा था स्टार्टिंग में कि मैं कैसे करूँ क्या करूँ। और यहाँ पे ये शेप रेडी हो गया था, इसको मैंने दोनों साइड में होल करके, और इस पर रिबन नहीं था मेरे पास तो मैंने वुलन लगा दिया था ताकि वो पहन के ऊपर बांध सके दोनों शोल्डर पे। और अजान को एक्चुअली क्या बनाना था, उनको ना कोई भी फार्म एनिमल का फिट ऐसे बना के लेके जाना था स्कूल में पहनने के लिए। तो जो इमेज स्कूल से आया था वो ऐसा लग रहा था रेडीमेड है, तो पहले तो मैंने मार्केट में ढूंढा, मुझे नहीं मिला और समझ में भी नहीं आ रहा था कि कैसे बनाऊँ। फिर फाइनली थोड़ा सा दिमाग इधर उधर करके फिर मैंने ना सॉक्स से बनाया था, वो शूट करना मैं भूल गई, भूलने की एक्चुअली मैंने शूट नहीं किया, मैंने जल्दी जल्दी में बनाया था, लेट नाइट 12:30 बजे मैंने सॉक्स लिया, जो एकदम पुराना सा सॉक्स था उसको काटा और उस पर ऐसे तीन ऐसे तीन नेल बनाने के लिए मैंने उसको कट मारा और उसमें सिलाई मारी। फिर कार्डबोर्ड के नेल्स बना के मैंने उस पर फेविकोल से चिपका दिए थे, नेल्स को मैंने कलर कर दिया था तो वो अच्छा खासा पैर जैसा ही लग रहा था, मतलब काम चल गया था स्कूल में। दे दो, एक दे दो, जब तक ट्रैफिक है तब तक दे दो, गाड़ी से उतार दूंगा मैं, और दे दो, और कभी दोगे? अच्छा, हमको ग्रॉसरी भी करनी थी तो हम लोग डीमार्ट भी गए थे, तो मैंने एक दिन में बहुत सारे काम वाइंड अप किए थे। और डीमार्ट से एक्चुअली ईद का ग्रॉसरी शॉप करना था तो उसके लिए हम लोग गए थे। चले जाएगी पूल में, चली जाएगी, फिर घर कैसे जाएंगे? अच्छा, ये नेक्स्ट डे की क्लिप है, अजान को स्कूल से लाने के बाद में है ना, मैंने उसको ये सॉक्स पहना दिए थे और एक्चुअली मुझे देखना था कि ये लग रहा है कि नहीं पैर के जैसा, तो लग रहा था, थोड़ा बहुत तो लग ही रहा था, आपको लग रहा है या नहीं मुझे ज़रूर बताना।
और घर की साइड बाय साइड थोड़ी बहुत साफ़ सफाई भी चल रही थी, तो मैंने फ्रीज़र भी क्लीन कर दिया था। फ्रीज़र को मेन खाली करना पड़ता है, तो वो भी मैंने कर दिया था। और उसी के साथ यहाँ पे ये ब्लॉग मैं एंड कर रही हूँ। अच्छा लगा होगा तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखिए। और आप सभी को मेरी तरफ से बकरा ईद मुबारक हो इन एडवांस। बाय बाय, सी यू, टेक केयर।